पीछे देख ही रहे हो थोड़ा कोटा की कचौरी भी फेमस है, कोचिंग फेमस है, कोटा की कचौरी भी फेमस है वो। और अरे भाई साहब कचौरी तो दिखाओ था, कहाँ कर रहे चटी अटी तो यार कहाँ कर रहे जो अटी जो कचौरी देख ले बाद भाई लाना। हाँ तो ये देखो कचौरी देख लीजिए आप, और अब मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा देता हूँ सारे। हेलो गाइस, स्टनिंग क्लाइमेट इन कोटा एंड एट प्रेजेंट आई एम स्टैंडिंग एट द इन द लैंडमार्क सिटी राइट। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये एलन का हॉस्टल है, और उसमें मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें हैं ओवरऑल। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स आज मैं कोशिश करूँगा कि कोटा की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कवर हो जाएँ, आप देख लें। खाली हम वन बाय वन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो देखेंगे। अभी जो पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हो ना आप, ये पूरा कोटा एलन वालों का, एलन फैमिली का ही इनका हॉस्टल है, और ये बहुत शानदार बना है, पूरा एकदम राजसी स्टाइल में जो है हॉस्टल बना है। इसका भी हम फ्रंट व्यू चेक करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लैंडमार्क में दो बिल्डिंग्स हैं इनकी बड़ी बड़ी, एलन की दो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए लैंडमार्क सिटी की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट जो है एक तरह से स्टूडेंट सिटी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। सो ये एलन की एक बिल्डिंग है यहाँ पे लैंडमार्क सिटी में, और बिल्कुल ही मतलब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आइडियल प्लेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जितने भी एक ही बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एलन की एक मेन बिल्डिंग हो गई यहाँ पे लैंडमार्क में राइट। और इसके सामने जो आप हॉस्टल्स देख रहे हैं सारे, ये जो हॉस्टल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही बिल्डिंग है। साइड में देख रहे हो आप, मैं तो अपने इनका इसका कर रहा हूँ, साइड से देखिए पूरा अंदर हम लोग लैंडमार्क सिटी में एंटर कर गए। और ये जो एलन की बिल्डिंग है ये इसका बैक व्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ जितने सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल तो डेफिनेटली मैं बाद में कवर करने वाला हूँ, इनफाइनेट आप बोल सकते हैं कि लाइन से जो है हॉस्टल्स लगे हुए हैं, वो तो हम और कभी कवर करेंगे। अभी खाली हम एक जो है एलन की जो जितनी बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं राइट। ये एक आपकी हो गई लैंडमार्क सिटी की एलन की एक बिल्डिंग, और उसके बाद में थोड़ा तेज चलो भैया, हल्का सा निकाल लो जल्दी से। और अंदर ही एलन के अंदर ही देखो एक दूसरी बिल्डिंग और है, ये इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने दिया हुआ है सम्यक। जो भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में एस से चालू होती हैं इनकी बिल्डिंग्स राइट। तो ये सम्यक बिल्डिंग हो गई एलन की, और ये भी बहुत शानदार बिल्डिंग है। इस पूरी लैंडमार्क सिटी में अराउंड जो है मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की डेट में पढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड बिल्डिंग हुई एलन की, जिसमें कि फिर आप देख पाएंगे 25,000 से ऊपर बच्चा यहाँ पे आज की डेट में पढ़ाई करता है राइट। इसके बाद हम चलेंगे ये सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स डेफिनेटली मैं कभी कवर करने वाला हूँ, और लाइन से आप देखो चलो आगे चलो। हॉस्टल्स इतने इनफाइनेट हैं कि उसके लिए तो मतलब 2-2.5 घंटे से ऊपर का वीडियो बन सकता है, ठीक है ना। तो मुझे आज जो कवर करना है जल्दी जल्दी आपको सारे हॉस्टल जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो दिखाने। तो सो गाइस, मैं जैसे ही मैंने देखा कि मैं निकल रहा था इधर से बैराज क्रॉस करके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 से ज़्यादा गेट जो है खुले हुए हैं। अभी गांधी सागर डैम से बहुत सारा पानी छोड़ा गया है, गांधी सागर डैम से कनेक्टेड है जवाहर सागर डैम, और जवाहर सागर डैम से कनेक्टेड है कोटा बैराज, तो कोटा बैराज में भी इनको पानी छोड़ना पड़ा। और तो बहुत शानदार व्यू है यहाँ पर, और बस अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ठीक है बिल्कुल देखेंगे हम लोग, और मैंने कहा क्यों नहीं ये व्यू भी आपको दिखा दिया जाए। ये देखिए बॉस, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये कोटा बैराज है, और यहाँ से सामने अगर सामने और चलें इधर तो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली जो है पानी छोड़ा जा रहा है। रीज़न यह है बहुत सामने आप देख सकते हैं ये कोटा बैराज हो गया, और ये जो थर्मल है, थर्मल की आपको चिमनियां दिखाई दे रही होंगी,
ये थर्मल पावर प्लांट है साइड में, राइट। और अगर हम थोड़ा इस तरफ देखें दूसरे एंड पे, तो ये कोटा का गढ़ पैलेस है, राइट। देखिए इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये कोटा का गढ़ पैलेस है। ये सब तीनों जगह जो है कोटा बैराज के पास में ही पड़ती हैं, राइट। और अगर हम दूसरे एंड पे जाएं, इस पुल के दूसरे एंड पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो है दूसरे एंड पे ये रिवर जो है इस तरह से दिखाई दे रही है, राइट। ये पूरी चंबल रिवर है और जो है बहुत स्पीडली पानी जा रहा है। और बहुत दूर अगर आप एक पुल देख पाएँ, तो ये नयापुरा वाला पुल बोला जाता है, नयापुरा पुलिया है ये, राइट। तो जब भी कोई स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं कोटा जंक्शन से, तो हो सकता है कि अगर उनको लैंडमार्क सिटी जाना हो तो इस तरफ नयापुरा पुल होके उसको आना पड़ता है। तो देखिए ये पूरा जवाहर नगर एरिया जो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मोर देन 150 स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे एग्ज़ाम PO बैंक, ये वो 50 तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये तैयारी करवाते हैं। और पूरे गंजे पड़े हैं लाइन से, आप पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पूरे लाइन से देख सकते हो सारे इस तरफ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये अक्षय क्लासेस, आई डोंट नो, ये सब PO बैंक और SSC इस तरह की तैयारी करवाते हैं, पटवार परीक्षा और जाने क्या क्या, राइट। बहुत हैवी कॉम्पिटिशन्स है इन बिटवीन स्टूडेंट्स के बीच में, तो ठीक है हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन है, लेकिन यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में जो आपस में कॉम्पिटिशन है वो आप यहाँ पे फील कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्होंने जो है अपने आप को एडवर्टाइज़ किया हुआ है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लाइन ही लाइन है पूरी, देख लीजिए आप, कंटिन्यूस इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा था। ये नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, कोटा को ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, राइट। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो है इधर लेना लेफ्ट, जवाहर नगर की जो मेन एलन की बिल्डिंग है वो आ गई सामने, राइट। तो ये देखिए एलन की बिल्डिंग है मेन, राइट। इसका नाम है समुन्नत, वो सामने जो ब्राउन वाइट ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है, राइट। और जब सारे नाम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि S से चालू होते हैं, तो ये भी एलन की एक मेन बिल्डिंग है, जवाहर नगर का मेन इनका। यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ दिया, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेन बिग बिल्डिंग हियर। और सो सारे बच्चे आप देख लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देख लो, और ये जितने साइड में दिख रहे हैं ये भी एक और सेकंड एलन की एक और बिल्डिंग है, राइट। और लाइन से अगर इस तरफ अगर देखेंगे आप, ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, पूरे बाजार में जो है ये सारा जितना मार्केट डेवलप हुआ है ये खाली स्टूडेंट्स की वजह से। ये आप देखिए जितना भी मार्केट देख रहे हैं कोटा में, ये सब स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया हुआ है सारा, ऑल द मोबाइल शॉप्स एंड अदर थिंग्स, ये देख सकते हैं। ये पूरा हम जो चल रहे हैं जिस एरिया में, ये यहाँ जवाहर नगर एरिया है, और जवाहर नगर में मेनली एलन की बिल्डिंग है, और छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो इतने सारे हैं कि वो हम लोग जो है कवर भी नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि हम जो मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, कि और हम खाली एक अभी ओवरव्यू ही देख पाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ना, ये एलन की, ये रेजोनेंस की, सॉरी
पहली बिल्डिंग थी जहाँ से रेजोनेंस में आर के वर्मा सर ने अपना जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। और ये बहुत ही छोटी सी जगह है, और यहाँ के बाद में जो है फिर बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो पूरा आपके जो है देखेंगे कि सिटी मॉल के बगल में आज जो है मोर देन 32,000 स्टूडेंट्स जो है इसमें जो है वहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो वो बिल्डिंग हम देखेंगे। ये लेकिन जवाहर नगर में रेजोनेंस का वेरी फर्स्ट बिल्डिंग है यहाँ पे। गाइस देखिए ये वाली जो बिल्डिंग है रेजोनेंस की, ये यहाँ पे अभी रेजोनेंस की ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही हैं, और मैंने 2008-10 यहीं पे मैंने पढ़ाया था, और मैं एज ए फैकल्टी मैथ्स फैकल्टी यहाँ पे वर्क कर चुका हूँ, राइट। तो माई डियर एलन की कितनी सारी बिल्डिंग है कोटा में, मैं कोटा में रह रहा हूँ लेकिन मुझे ही नहीं पता कि कितनी सारी बिल्डिंग है। ये आपकी एक और बिल्डिंग है जवाहर नगर मेन रोड से जैसे ही हम जाते हैं, तो यहाँ पे एक E2's करके जो है ये फूड एंड फन वाली जो चीज़ आती है, और एक बिल्डिंग इनकी ये है, और ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है E2's, बहुत पहले आया था मतलब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। तो ये आपका मेन जवाहर नगर मेन रोड हुआ, नर्सरी रोड बोलेंगे ना इसे, हाँ तो ये नर्सरी रोड है। तो दोस्तों अभी जो है ना एक लगभग एक बज रहा है, और कुछ बच्चे जो है बाहर निकल आए हैं। ये देखिए एक और बिल्डिंग है एलन की, सरोकार सेकंड, तो इसका मतलब सरोकार वन भी होगी, और बच्चे जो है कोटा में बच्चे ही बच्चे दिखेंगे आपको बहुत सारे, देख ही रहे हो सब, ये जो हरी टी शर्ट वाले हैं सारे सब एलन के ही हैं। तो देखिए जवाहर नगर के जब जैसे ही हम एंड पे आते हैं तो ये एक बिल्डिंग और एलन की है, और ये साइड में देख रहे हो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, एबल्स लिखा है, ये भी सर जो है ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। तो ये कॉर्नर पे जो है एक एलन का एक और बिल्डिंग है। अब हम जैसे ही यहाँ से मुड़ते हैं तो हम लोग जो है राजीव गांधी नगर में एंटर करेंगे। ये वाला जो एरिया था जवाहर नगर था, और मैं आपको दूसरे एंड पे दिखाता हूँ, और जैसे ही हम इधर एंड घुमाते हैं कैमरा, ठीक है, तो ये जो आगे देख रहे हैं आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं बहुत सारी, ये जवाहर नगर में सारे हॉस्टल्स हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली और अच्छे हॉस्टल्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चा बहुत सारा जो है यहाँ स्टे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो गाइज हम लोग अब जो है यहाँ पे बिल्कुल सिटी मॉल की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ सारे, और ये सिटी मॉल जाने की तरफ एक ये ब्रिज है, और ओवर ब्रिज है शानदार। अगर पीछे देखोगे आप, पीछे देखोगे तो ये पूरा एरोड्रम है जो कि कोटा में सोच रहे थे कि बनाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया इधर का इस साइड में जो आप देख रहे हैं पूरा विज्ञान नगर एरिया है, और हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, जो जितने भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बोलेंगे जो पूरी हब है कोचिंग की, उस तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, सुधा हॉस्पिटल है ये वाला, कोटा हार्ट हॉस्पिटल है, कोटा श्री जी हॉस्पिटल है, ये यहाँ के जो है मेन हॉस्पिटल्स हैं, एंड अगेन द मैत्री हॉस्पिटल, राइट। पूरा एरिया इतना डेवलप कर गया है, मैं 85 से देख रहा था ये सारी जगह जो है खाली पड़ी थी एक समय में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा है। ये मेन राजीव गांधी नगर आ गया, देखिए राजीव गांधी नगर में जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है एक स्टैचू दिखाई देगा, ये राजीव गांधी का स्टैचू है, राइट। और ये जैसे ही इधर से एंटर करते हैं अंदर तो पूरा राजीव गांधी नगर आ जाता है, और इसके बाद में ये जो आप होर्डिंग देख रहे हैं ये पूरा रिको एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया था, है ना। तो एक समय में पूरा एरिया ये जो खाली पड़ा था, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है कोटा से, कोटा में बीच बीच में थे, और वहाँ से पूरे शिफ्ट होके जो है वो सारे इस जगह पे आ गए, और वन बाय वन सभी ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को, राइट। और नहीं इधर मोड़ना अंदर, तो
देखिए ये रिको रिको वेलकम्स यू एट द इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया कोटा। ये एजुकेशन हब बोली जाएगी इसे, इसको रिको इंडस्ट्रियल एरिया अब मैं नहीं बोलूँगा। और ये देख रहे हो आप सामने वाइब्रेंट की बिल्डिंग है, जैसे ही हम इसमें आते हैं रोड नंबर 2 है और नंबर 1 ये तो आपकी वाइब्रेंट की एक बिल्डिंग हो गई। यहाँ पूरे लाइन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और ये देखिए साइड में एक स्वालका एंड स्वालका ने कितनी बहुत ही ख़तरनाक बिल्डिंग बनाई है। ये पूरा सब 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स या जो भी है लेंगे तो वो सब रह सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हो। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं बंसल क्लासेस की तरफ। ये देखिए ये सामने जो है बंसल की बिल्डिंग है, रोकना थोड़ा सा आगे वाले मेन उस पर है ना, ये उनका घर है सामने ही, ये जो बंसल साहब इसी में रहते हैं अंदर। और ये बंसल क्लासेस का आप बोर्ड देख सकते हो, रोकना एक सेकंड होगा है ना। अंदर आप देख सकते हो कि पूरा ये जो है समीर बंसल और मिस्टर वीके बंसल सर की मुझे जो फ़ोटोज़ वो दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये इनका बंसल क्लासेस, तो एक समय में जो कोटा में जो कोचिंग जो स्टार्ट की है मैं इन्हीं को श्रेय जाता है, बहुत सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। और जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपको कैरियर पॉइंट की बिल्डिंग दिख रही है सर, तो इस तरह से पूरा कैरियर पॉइंट आ गया। कैरियर पॉइंट के 2 टावर हैं, CP1 एंड CP2, दिस इज़ 1 टावर एंड दिस इज़ द सेकेंड टावर, राइट। सो ये इनकी क्लासरूम्स यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग कैरियर पॉइंट पे आ गए और इसी के आगे अगर बढ़ेंगे, वैसे ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया था एक समय, लेकिन अब जब ये जगह खाली पड़ी थी तो सारी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जगह दे दी। और सामने ही फिर देख रहे हो आप एक मोशन की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा। तो बिल्कुल सब लाइन से है सारा, वन बाय वन आप देखते चलिए कि यहाँ पे भी क्लासेस लगती हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कई सारी बिल्डिंग हैं। चलिए देखिए, मोशन बिल्डिंग से थोड़ा सा मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं आगे आएंगे, कोटा का एक और स्टेशन है डकनिया तालाब। तो ये जो है ये एक और सेकंड छोटा सा स्टेशन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। तो मेन जो है कुछ ट्रेन्स यहाँ पे भी रुकती हैं, तो मेन स्टेशन तो ठीक है कोटा जंक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ट्रेन्स का स्टे होता है, सो यू कैन गेट डाउन हियर आल्सो। चलो, सो डियर फ्रेंड्स, ये जो है एक और यहाँ पे मॉल है, ये नया मॉल बना सिटी मॉल से जस्ट पहले मॉल है ये, राइट। तो यहाँ पे इसमें PVR सिनेमा वगैरह है, बच्चे वगैरह देखते ही हैं, करना ही पड़ता है अपना, कब तक कितनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग बिल्कुल जो पीक जोन है ना कोचिंग का, उसमें बिल्कुल एंटर कर चुके हैं। यहाँ से आप देखिए ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट। जैसे कि अगर इधर साइड में मैं देखता हूँ तो साइड में मुझे एलन की बिल्डिंग दिख रही है, राइट। और ये बहुत ही ये अच्छा होटल एक कंट्री इन करके, राइट। और इस तरफ अगर हम जाएं तो ये आ गया रेजोनेंस, राइट, एंड दिस इज़ इंस्टीट्यूट वेयर आई वर्कड 2 ईयर्स। अब ये इन्होंने जो है नई बिल्डिंग बनाई है, इससे पहले जो बिल्डिंग थी उनकी वो मैंने आपको दिखाई जवाहर नगर में थी, रेजोनेंस की मेन बिल्डिंग है। 32,000 से ऊपर बच्चा जो एट ए टाइम पढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका सिटी मॉल, राइट। सिटी मॉल देखिए ये जो कि यहाँ के बच्चों के लिए मेन एंटरटेनमेंट के लिए जो है, इसमें बच्चे संडे को ऐसे ख़तरनाक जो है यहाँ पे भरमार होती है, राइट। तो सामने की जो बिल्डिंग देखिए ये भी पूरी स्टनिंग बिल्डिंग है, मतलब इतना सारा अकोमोडेशन अवेलेबल है यहाँ पे कि आप जो है स्टे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कोटा में, राइट। दिस इज़ मेन सिटी मॉल और हम रेजोनेंस देख चुके हैं। अब हम दूसरी बिल्डिंग्स पे चलते हैं। यहाँ ये जो है झालावाड़ रोड ही चल रहा,
तो दोस्तों जैसे ही हम झालावाड़ रोड से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो कोरिया बेस्ड कंपनी है ईटोस, राइट, तो उसके ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। ईटोस आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, राइट, इस साइड लेना और हाँ ऐसे ले लो इधर से ऊपर से चढ़ा के। और ये ईटोस की मेन बिल्डिंग हो गई और इसके आगे चलेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक और एलन की बिल्डिंग थी यहाँ पे, कहाँ गई, आगे इतने सारे, ये सब अंदर हॉस्टल्स हैं। ये आप अगर लाइन में अगर अंदर नज़र डालोगे, हॉस्टल में अभी कवर नहीं कर पाऊँगा। ये एक और एलन की बिल्डिंग, मतलब एलन की बिल्डिंग्स तो काउंट करते करते थक गया हूँ मैं। मुझे जहाँ तक ये आइडिया है कि शायद 12-13 हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये सारे अंदर अभी बच्चे छूटे हैं, ये देख लो ये पूरा बैच छूट गया, इधर ले लो अभी ये गर्ल्स को कवर करें, है ना। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब एलन के हैं और अभी अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ कि 1:30 के आसपास टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये बैच छूटा हुआ है यहाँ पे और देख सकते हो पूरा जो बच्चे जितने सारे आ रहे हैं पूरा मेला है बच्चों का। ऑल आर एलन स्टूडेंट्स हियर, एलन और ये एलन, ऑल आर एलन स्टूडेंट्स हियर, राइट। और वो सामने एक और बिल्डिंग दिख रही है एलन की, ये हम बैक साइड से आए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंट्री इन जो होटल है, अच्छा सा होटल है ये। और इस तरह देखिए आप, सामने से रेजोनेंस भी दिख रहा है और ये बच्चों की छुट्टी हो चुकी है तो ये सारे बच्चे जो है अब 1:30, ये जिनका मॉर्निंग में बैच होगा उनका बैच छूट चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये साकार की एक और बिल्डिंग है वो साइड में, कंट्री इन के साइड में। तो ये फिर आप जो है पूरा बच्चों का मेला देख सकते हैं, पूरे लाइन से पीछे एलन 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 ही एलन दिख रहा है, बैक पे एलन दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली मालूम चलता है कि ये सारे एलन के बच्चे हैं। अंदर ले लो इधर से ना गाइस, जैसे ही हम इसमें इधर अंदर एंटर करते हैं, ये मतलब पूरा जो एरिया है, और जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो मोशन की जो मेन बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहीं से। वीडियो शेकी हो रहा है थोड़ा सा, आप अगली बार गिम्बल भी ले लेंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस मुझे, राइट। अगली बार आपके सामने जो है विद गिम्बल जो है हम व्लॉगिंग कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा अंदर चलना पड़ता है और ये कई सारी रेजिडेंसी, ये रेजिडेंसी, ये देखिए पूरी जो है पूरी मोशन की मेन बिल्डिंग है, राइट। ये थोड़ा सा गली सी अंदर है उसमें पड़ती है, राइट। अब हम चल रहे हैं इसके बाद में, नेक्स्ट जो है ये हम राजीव गांधी नगर के ही इस एरिया में, ये बुक्स का ढेर देख लीजिए, बुक्स पढ़ो, बुक खरीदो और बस पढ़ाई ही पढ़ाई करो, कोटा में और कुछ भी नहीं है। चलो तो दोस्तों एक और एलन की बिल्डिंग सामने देख रहे हो आप, ये सब राजीव गांधी नगर, ये देख रहे हो राजीव गांधी नगर का बोर्ड, राइट। तो अभी बस सब क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं, सामने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके न्यूक्लियस एजुकेशन, ये भी जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, और बुक्स की यहाँ पे जो है अनाप शनाप, जिस लेवल की बुक आपको चाहिए सब खरीद सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। दीज आर द बुक सेलर्स और बहुत ही ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स अवेलेबल होता है यहाँ पे। ये छोटे छोटे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, तो आप इंडिविजुअल भी जो है हल्का बहुत अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। सर्वोत्तम का बोर्ड देख रहे हैं आप, मेडिकल का वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। अब हम जो है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मेन एलन हेड ऑफिस, राइट। तो हम लगभग इस एरिया में आ चुके हैं, ये हालांकि इसको इंदिरा विहार का बोलते हैं, और ये जो एक यूनिफॉर्म सी पहन के जा रहे हैं ये सारे एलन की फैकल्टी हैं या स्टाफ हैं,
सारे के सारे एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये जो है देख रहे हो आप, खाकी सी पैंट है और ये क्रीम कलर की जो शर्ट है ये सारे एलन के स्टाफ की है, और इसमें जो है सभी का लगभग एक ही है। तो सामने देख रहे हैं, सामने एक और दो बिल्डिंग और दिख रही हैं, इनके नाम है सबल, एक का मैं देख रहा हूँ सबल नाम है और दूसरी का नाम जो है संकल्प है, राइट। अब हम इसके मेन एलन के जो मेन हेड ऑफिस है उसकी तरफ अंदर घूमते हैं, राइट। आगे से रास्ता है, ये एलन की एक और बिल्डिंग है, राइट, सबल का सेकंड एंड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जो है एलन का हेड ऑफिस, देखिए ये जो एलन का सबसे बड़ा बोर्ड और ये इनका हेड ऑफिस, इसमें एंटर कर गए हैं। यहाँ पे ये जितनी बिल्डिंग्स हैं सब एलन की ही हैं, ये वाली एलन की बिल्डिंग है, और इधर साइड में अगर देखें तो ये आकाश इंस्टीट्यूट, राइट, ये आकाश इंस्टीट्यूट है, और आकाश के बगल में ये आकाश इंस्टीट्यूट रहा, और ये एलन का जो है एलएल कैरियर इंस्टीट्यूट का, ये यहाँ जितने भी फंक्शंस हैं एलन के इस पर्टिकुलर इस हॉल में होते हैं, बहुत बड़ा हॉल है ये, और ये हम लोग जो है एलन के प्राइम एरिया में जो है एंटर कर चुके हैं, बिल्कुल डैम स्टूडेंट जोन, पूरा पूरा कोचिंग से रिलेटेड, राइट। दिस इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। आई ऑल्सो वर्कड एज ए फैकल्टी इन अहमदाबाद, एलन का हेड ऑफिस है, देखिए बहुत ही ख़तरनाक बिल्डिंग बनाई है बॉस, राइट। और जो मैनेजमेंट है, जो टीचिंग है, जो सिस्टम है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, राइट, दैट्स वाई दे आर नंबर वन इन इंडिया। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की आज जितना भी कवर करने की, कोटा बहुत बड़ा है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मुश्किल होता है कि हम जो सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, लेकिन जो है मेरे प्रयास हैं थोड़े से, कि पीछे देख रहे हो ना आप, ये पूरा एलन का हेड ऑफिस है, और ये यहाँ पे जो है सारी चीज़ें इतने सिस्टमेटिक इन्होंने अरेंज किया हुआ है, कि मतलब स्टूडेंट के लिए तो बहुत कंफर्टेबल जोन है, और इसी वजह से जो है ना ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे यहाँ पे सारे आते हैं, राइट। ओके, बाय बाय गाइज, एंड अगेन आई वांट टू से व्हाटएवर द सजेशन आर देयर, यू जस्ट कमेंट एंड सो दैट अकॉर्डिंग टू एज पर योर सजेशन आई विल वर्क।